ना अफवाहें ना सनसनी ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। फेडरल पार्टी से शुरुआत एडम्स और जैक्सन मैन से होते हुए ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी अस्तित्व में आई। बचपन में कहते थे कि जमीन को खोदो तो दूसरी तरफ अमेरिका निकलेगा। दुनिया तो गोल है, लेकिन मैप को जूम करके देखें तो अमेरिका एकदम पश्चिम में नजर आता है। आज बात उसी अमेरिका के लोकतांत्रिक पहलू और वहां के चुनाव की करेंगे। अमेरिका का संविधान तो बेशक सबसे पुराना है, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति से लेकर राज्य और सेनेट यानी ऊपरी सदन के सदस्यों तक के चुनाव की प्रक्रिया अर्जित यानी धीरे धीरे विकसित हुई है। अमेरिकी लोकतंत्र की नींव रखने वाले फाउंडिंग फादर्स पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। इसी के चलते अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन भी किसी पार्टी के विशेष सदस्य नहीं थे। अमेरिका के गणतंत्र में जनता का लोकप्रिय समर्थन पाने को बहुत अहमियत दी गई है। इलेक्शन में भी पॉपुलर मैंडेट पर जोर दिया गया है और अब चुनाव को जरूरी मान लिया गया तो राजनीतिक पार्टियां भी सामने आ गई। फेडरल पार्टी, ये नई नवेली अमेरिकी संविधान को अपनाना चाहती थी। दूसरी पार्टी आई डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, जिसे एंटी फेडरलिस्ट पार्टी भी कहा गया। ये ताकतवर सरकार के खिलाफ थी और राज्यों को ज्यादा अधिकार देना चाहती थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भले ही निर्दलीय थे, लेकिन दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स इसी फेडरलिस्ट पार्टी के थे। 1798 से 1801 तक वो राष्ट्रपति रहे। बाकी के चार राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ने ही दिए। 1815 में फेडरल पार्टी भंग कर दी गई। 1824 के राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादातर कैंडिडेट डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के थे। भारत ने कल्पना करके देखिए तो एक दौर में जब केवल कांग्रेस का ही शासन था, यह नतीजा मोदी राहुल एक ही टीम के लिए खेल रहे हों जैसा आया, मतलब राष्ट्रपति भी उसी पार्टी का चुना गया और रनर अप भी। एडम्स और जैक्सन मैन, इस चुनाव में जॉन क्विंस एडम की जीत हुई और रनर अप एंड्रयू जैक्सन रहे, लेकिन फिर पार्टी दो गुटों में बट गई। नए गुट राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स का समर्थन करने लगे तो दूसरे एंड्रयू जैक्सन का। इन गुटों को एडम्स और जैक्सन मैन कहा जाने लगा। 1828 में फिर दोनों नेता आमने सामने थे, लेकिन अब की बार एंड्रयू जैक्सन नई पार्टी डेमोक्रेट से लड़े, वहां जॉन किसी नेशनल रिपब्लिकन पार्टी से मैदान में रहे। इस बार नतीजा पिछले बार से ठीक उलट रहे। एंड्रयू जैक्सन डेमोक्रेटिक पार्टी से पहले राष्ट्रपति बने। जॉन क्विंसी एडम्स वाली नेशनल रिपब्लिकन आगे चलकर व्हिग पार्टी बन गई। भारत के जनसंघ से बीजेपी तक के सफर के तौर पर इसे देख सकते हैं। व्हिग पार्टी ने अपने कार्यकाल में चार राष्ट्रपति अमेरिका को दिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।